जहाँ पे एंटर हो चुके हैं हम, तो हम पहुँच चुके हैं फॉर्मूला वन। सामने लिखा हुआ है तो उसका मुंह नहीं है, वो बिन मुंडी का भूत है। ये देखो तो मैं सब राइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी गाड़ी है, जिसके चार्जेस है ये है, एक सेशन 10 मिनट का सेशन है, 10 मिनट के आपको 1000 रुपए, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है। जी हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कनिष्क, आई एम एन आर्टिस्ट आल्सो अ ट्रैवल व्लॉगर। सो आज मैं जा रहा हूँ फिर से एक न्यू एक्टिविटी करने, जो शायद आप लोगों ने करी हो, लोगों ने ना भी करी हो। मेरे लिए तो ये पहली बार है, मैंने करी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। थंबनेल देख के तो वैसे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो यस, मैं जा रहा हूँ गो कार्टिंग करने। तो मैंने इससे पहले करी नहीं, मतलब एक दो बार देखा है, मन था करने का बट एक्चुअली कर नहीं पाया। सो नाउ आज स्पेसिफिकली मैंने डे पकड़ा कि आज मैं जाता हूँ और करेंगे, और मैं बढ़िया सा एक ब्लॉग भी शूट करके दिखाते हैं आपको इसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ पड़ती है। तो चलिए मैं बस रेडी हो चुका हूँ, देख रहे हो यही मैंने फरारी वाली मेरी ब्लैक टी शर्ट पहन ली है, और स्मार्टी से तुम्हारा भाई लग रहा है। तो आज जो जाने वाले हैं वो भी हम अपने कजन वगैरह, मेरे भाइयों के साथ, मेरी सिस्टर के साथ, उनके साथ ही हम जा रहे हैं। सो चलो जल्दी चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हो, मेरे से रुका नहीं जा रहा जाने के लिए। तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे भी बिना बाल धोए भी वो लगती है। बन गया कंटेंट। तो गाइस, तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो निकलने को तैयार है। तो भाई आ चुका है यहाँ पे, दो जगह है, दो जगह स्पेसिफाई करी मैंने, एक तो है नोएडा में और दूसरी है एक गुड़गांव में। तो अभी इनसे डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पर जाना है, फिर देन देखते हैं हम। सो गाइस, तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया, तो जो है गो कार्टिंग वाला वो है नोएडा में पड़ता है, F11 करके। वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक्चुअली मैंने देखी उसकी वीडियोस, तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है, मतलब जैसे एक्चुअल रेसिंग ट्रैक्स होते हैं ना बड़े, मतलब बड़ी कार्स के, F1 कार्स के, तो वैसे ही लग रहा है वो, देखने में आपको मज़ा आएगा। तो हमने वो डिसाइड किया, चार्जेस वगैरह मैं आपको वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ कि क्या है। अराउंड बस हम निकल रहे हैं, अराउंड 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। आज तो खूब मैं आज इसी इरादे से आया हूँ, जैसे पूरा कंटेंट नहीं छोड़ूंगा मैं। वेदर देखो कितना बढ़िया हो रखा है इस टाइम पे, मतलब मजेदार। बस ये है बारिश ना है, ऐसे ही वेदर रहे ठंडा, तो मजा आएगा ड्राइव करने में, जैसे अभी गाड़ी चलाने में आ रहा है वो गो कार्टिंग करने में भी आएगा। कि पहले ही प्राण सूखे पड़े हैं, इसकी 8 बजे क्लास है, इसके अभी से अलार्म बज गया कि भाई कैंसिल। 3-4 घंटे बहुत होते हैं पता है, 10 मिनट की राइड नहीं है मुश्किल से, चल देख लेंगे। तो मतलब कुछ खाने पीने नहीं देगी, कुछ नहीं करने देगी, ये कोई वो बात बनती है? हाँ तो ठीक है ना, साहब ये इतनी ड्रामे है इसके, कोई चीज। हाँ दिमागदार, उसमें वेंट होती है इसमें भाई साहब, इसमें 4-4 वेंट है। नहीं, मैं तो यार, तो वहां से तेरे पास थोड़ी ना ठंड आएगी, तो पूरी गाड़ी गर्म कर दे, बताओ। पूरी गाड़ी में 4 लोग और बैठे बेचारे, ये बेचारे गर्मी में जाए। जाओ, मैं जा रही हूं। वो मैडम साहिबा अपने वेंट बंद कर लीजिए ना, आपके पास नहीं आएगी हवा। ले ले, बस खुश तू होगी, मैं थोड़ी होऊंगा। भाई साहब अलग ही लेवल है इसका। तो डांस की शॉप थी तो सर दर्द करा दिए तेरे। अच्छा हाँ, वर्कशॉप। हाँ डांस की भी वर्कशॉप, मतलब क्या, मतलब जैसे नहीं होती कैसे, मैं इससे भी पूछ रहा था कि मतलब टेबल, नहीं नहीं टेबल लगा के वहाँ पे डांस के बच्चे परफॉर्म करते हैं, मेरा मेरा डांस खरीदो। भाई मैं तो ऐसी अक्सर मैंने वो, हाँ तो क्लास बोल देती कि डांस की क्लास है, कुछ इवेंट है डांस का, इवेंट बोल सकते हैं। वैसे तो मैं बोलूँगा सिंगिंग की वर्कशॉप है, गली में खड़े होकर गाने गाने का है ना। ऐसा बोलते हैं कि बेवकूफ इंसान के साथ मत खाओ, तो अपने मत खाओ। मुझे पता है तू अपनी बात कर रही है, पर सबके सामने थोड़ी करनी थी। मैं देख लिया अपनी सच्चाई अपने मुंह से निकाल लेती है। वाकई हेलमेट है भाई, तू हेलमेट भाई, सीरीज 1 सीधा 4 पे हो गई, कह रही कलर चेंज कराया। जो तेरे लक्षण है ना, डिट्टो तेरे पीछे वाले के भी यही लक्षण है भाई। इसको कभी गलती से मैप दे दूं मैं, ये इसने आधा घंटे से 1 घंटा फालतू लगवाना है हमेशा आंखों में। नहीं, मेरा तो ये हुआ था, मैंने उसको बोल के घर छोड़ दिया, उसको बोला अपने मैप में डाल दे तू, मैंने कैम्ब्रिज रजौरी की जगह अबे गूगल मैप पे ढूंढ कर डाल दिया। तो तूने रजौरी की जगह कहां डाल दिया, और तो वो लेके जा रहा था, देख लिया ना कि कहां डाला हुआ है, क्या था F11, तो यही भी था। हां फार्मूला 11, फार्मूला 11 तो उसका मुंह नहीं है, वो बिन मुंडी का भूत है।
है, दिन मुंडी का भूत है ये भूत भी नहीं है, वो तो उस कैटेगरी में नहीं आता, वो अलग ही कैटेगरी है वो, या दुनिया की प्रजाति में। तो तू चला ले जो ज्यादा जल्दी होगी, वैसे मेट्रो है वहाँ पे, कोई इशू नहीं है, हम तीनों मेट्रो पे आ जाएंगे, तू गाड़ी पे आ जाओ, बस तू गाड़ी लेके आ जाओ, गाड़ी चला लियो। क्यों गाड़ी नहीं चलानी आती तेरे को? साइकिल स्कूटी भी नहीं आती? स्कूटी भी चलाई हुई है, भूल गई है। हाँ सपनों में, रात को तो रोज चलाती है सपनों में। इसके लिए वो चार पहियों वाली स्कूटी लेंगे। हाँ अरे नहीं, वो बच्चों वाली वो साइकिल आती है ना जिसमें वो एक्स्ट्रा व्हील्स लगे होते हैं, वो वाली लेनी चाहिए तेरे लिए, एक्स्ट्रा व्हील्स। अबे वो है हमारे उसमें, अबे मत कर, एडमिशन का सर खाएगी, ध्यान दे, फोन काट दे। ओ हेलो, हेलो, कुछ बात करनी है आपको। आए हुए भाड़, वो अपना फोन छोड़ गया घर पे। मैडम जी, दो दिन के बाद वो मंसूरी क्या हुआ, कल आएगा। ठीक है मैडम जी, बाय बाय। जो भी था पर मुझे आया ना, मुझे आया नहीं आया। Christmas, all the Christmas trees on fire. Santa's holding the lighter. My parents are. अंदर हम लोग उतर बाहर से बाहर। Jokes वो बोल रहा है, उसके अच्छे हैं। उसने jokes मारा है, वो jokes है वो। तू पीछे नहीं आता। तू joke है। तू गाड़ी चला यार। मैं joke हूँ। आप मुंडू वाले। यार यहाँ तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे यार दोबारा पेन के लिए लेनी पड़ेगी क्योंकि तेरी बातें सुन मैं कर जाऊँ। कैसे घूम लेता है? तुम्हारी बातें सुननी नहीं, तेरा जोक बन गया ना इसलिए कहाँ सुनेगी तू? यार तेरे को पता है स्नैप पे कुछ लिप्स की बातें आ रही है। तुम गाना लगा दे, तू कौन सा भैया ऐसे बेटी वाले। वो तू यार उसमें ऑडियो का ऑप्शन आता है यार। कर ले कर ले कर ले। मैं कब घूमता हूँ? चल ला नहीं करता तू। ये कौन सी बात हुई भाई? वो देखो गाय माता, प्रणाम करो, जय गौ माता। रिया को कुछ नहीं आता। नोएडा में एंटर हो चुके हैं हम, लिखा आ गया सामने, भूख लग रही है। जो तेरे आगे बैठी है इसका सर बहुत खाली पड़ा हुआ, ये खा ले, तभी तो कह रहे हो खा ले। दर्द सर नहीं खाता। तो हम पहुंच चुके हैं फॉर्मूला वन, सामने लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता था बोनेट का ऑप्शन था, गाड़ी नहीं है, गाड़ी चलाते कैसे है, तो मैंने गलती से बोनेट खोल दिया, तो खोलने डिक्की थी, बोला ही नहीं उसने, पूछ तो लेते फिर। भाई क्रेजी डरा है, भाई क्रेजी। अबे यार यहाँ तो सारे चिक्कड़ की चढ़ है। सो गाइस हम तुच्छ प्राणी उतर गए अपनी गाड़ियों से नहीं गाड़ी से, तो तो अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। तुच्छ बोला है मैंने, तुच्छ नहीं बोला, तुच्छ। तो किसके मुंह से पेड़ पड़ेगी ना, तो अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। सो देयर इज द वे। ओ रिया तेरी शक्ल लगी हुई है यार, तेरी शक्ल के प्राणी वो क्यूट नहीं है, वो काले वाले की बात कर रहा था मैं फिलहाल। वो देख वो भी एंग्री तेरी तरह, लाइक आ एंग्री वुमेन। तू साबित करके दिखा, तू मैं सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल तेरी डिट्टो कॉपी है, पूरा मैच हो रहा है देख, काले वाला तो क्या। सामने वाओ भी है और उसके अंदर बढ़ते बाकी एम्यूजमेंट पार्क है बेसिकली, हम तो रेसिंग करने आए हैं तो वहाँ पर जाएंगे। एफ बार लॉन्च वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। वैसे ज़्यादा टाइम है नहीं आज हमारे पास, तो मेरी कज़न है उसको थोड़ा जाना है जल्दी है। कहाँ से ले ले? वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की टिकटें लेगा है, वाटर पार्क भेजूँ तेरे को मैं भी, पता नहीं कहाँ से गवा, ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, उसकी टिकट लेने जा रहा है। खाने में स्नैक्स लेने हैं, ड्रिंक लेनी है कुछ। एरोप्लेन की नाक बाहर आ रही है। सो गाइस आ गया है यहाँ पे फॉर्मूला 11 कार्टिंग, तो अब हम जा रहे हैं, देखो उसका पूरा ट्रैक है ना, मतलब भाई साहब एक्चुअल F1 रेसिंग की तरह लगता है। तो मैंने दैट्स व्हाई हमने सोचा कि ये वाले में करते हैं, देखो मतलब बहुत क्रेजी है, मज़ा आएगा। चलो देखो काफ़ी अच्छी ग्रेफिटी कर रखी है और यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है बड़ा मस्त, और यहाँ पे रेस करने का मज़ा ही लगाएगा। देखते हैं आपको बताते हैं अंदर चार्जेस वगैरह क्या, और इसका ट्रैक काफ़ी ज़्यादा लंबा है। यहाँ अंदर कैफे वगैरह भी है,
तो पहले हम चार्जेस वगैरह पूछते हैं, उसके बाद देन फिर देखते हैं। और ये खड़ी है सामने कार्ड्स, तो ये आईपैड लगा, इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद। बट ये कह रहे हैं अभी काफ़ी ज़्यादा वो है, टाइम लगेगा, 2 घंटे की वेटिंग कह रहे हैं, देखते हैं, कह रहे हैं होपफुली जल्दी करा देंगे। अरे वो तो हो जाता है, मुझे थोड़ा ना पता था, मैं तो इसलिए आया कि मतलब वीकडे है, मैंने मुझे थोड़ा ना पता इतनी भीड़ होगी नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद मिलते हैं। आ गए तो इनकी जिम्मेवारी नहीं है और क्या, अपने ओन रिस्क पे आप अपने 1200 रुपये इन्वेस्ट करके अपनी जान से खिल अपने खिलवाड़ करने जा रहे हैं अपनी जान के साथ। ये तो हर पैराग्लाइडिंग जो कराते हैं सब यही राफ्टिंग कराते हैं, इसमें कहा कि एक ही का सबका हो जाएगा, एक ही हो जाएगा सब में हो जाएगा ना। आपने तो कहा कि एक साथ, अभी आपने बोला कि एक सबका हो जाएगा, उसमें मिलता है कंसर्न फॉर्म, इस पर बेसिकली आपको अपने साइन वगैरह करना है, साइन करना है ना बस, क्या और कुछ पूरा करना है। अच्छा यहाँ पे तो उसमें आपको बताना है कि अगर कुछ लग लगा गई तो इनकी जिम्मेवारी नहीं है बेसिकली, इसलिए नहीं। बताऊँ पूरी खाने मांगना खराब कर, ये देखो अब इसका मूड चेंज हो गया, नहीं कर रही मैं। तो ये इनका हेलमेट सेक्शन है, ये गेयर एरिया है, अभी आते हैं। ऐसे नॉर्मल लॉन्ज है, कैफे बना रखा है खाने पीने का। सो हो गया ना गट्टू, भरो गट्टू, चलो जल्दी करो, कोई बात नहीं जिंदगी में। उसने भी कहा है ना YGHD में क्या दिखाया तेरे को, जिंदगी जीना सीखो। ट्रैक तो देखने में छोटा लग रहा है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पूरी मतलब F1 रेसिंग जैसी फील आ रही है, जो कार्ड्स हैं इनकी बढ़िया बनी हुई है। तो जिसके चार्जेस है ये एक सेशन 10 मिनट का सेशन है, 10 मिनट के आपको 1200 रुपये देने हैं, 1000 रुपये तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, 1200 रुपये अराउंड टैक्स के लगते हैं, और बाकी ये और ज़्यादा देर करना है उसके हिसाब से जो आप आओगे देख लेंगे। और वीकेंड के ज़्यादा है, वीक डेज के कम है, वैसे आज मंडे है तो आज हमने यही मिला हमें। तूने वो वाली गाड़ी चलाई है तो फिर तेरे को डर क्या है, किस बात का डर है? अबे तो क्या हो गया, तू ये एन्जॉयमेंट के लिए और किसके लिए है ये? तो अब हम आगे अपने गियर्स लेने, यहाँ हेलमेट मिलेंगे, पता नहीं कितने लोगों ने पहले ये मिलेंगे, अबे वो भी देंगे ऊपर कवर देंगे, यानी कटिंग करा गया नीचे बना दे। यही तो लड़कियों के चोचले हैं, तुम्हें समझ नहीं आते भाई, हो तो क्या नाचोगे? तो ये हेलमेट मैम कोई बढ़िया सा कलरफुल हेलमेट दे दो, नहीं है कुछ स्पेशल नहीं रखा, स्पेशल बनने के लिए स्पेशल चीज़ होनी चाहिए ना। आई एम द स्पेशल किड ब्रो, करने के लिए तैयार सर्जिकल नाइफ। सो हमारा राइडर एक रेडी हो चुका है, बाकी अब हम तैयार हो रहे हैं। ओए ये तो वो वेल्डिंग वाले ग्लव्स है, गजब बेइज्जती है। हाँ जी सेम साइज। हम तैयार हैं जंग पे जाने के लिए, फतेह करके आएंगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं सारे जाने के लिए, इधर से देख लो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, ऊपर आ जाओ। बस हम कहीं से जा रहे हैं, तो गाइस अब राइड करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये मेरी गाड़ी है। Wow! Beautiful! तो अब हम चालू कर रहे हैं, फोन वोन शूटिंग वूटिंग का काफी सीन है, शूट वूट कर रहे हैं, दे रहे, देखता हूँ मैं कैसे करेंगे। Till the hits come in all caps, I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that, I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this, I'ma steal everybody's lane, call it shoplift, sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name, society's insane, we all live for fame, yeah. In this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad.
bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, free in the bag. Baby, I'm bad. तो गाइस तो राइड हमारी हो चुकी है डन, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, मज़ा आ गया। तो ये थी कुछ अपनी गाड़ी, सही फन हो गया। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, मज़ा आ गया, मैं बता नहीं सकता आपको, दैट्स एक्सट्रीम। तू कहाँ है? सबसे ऊपर मैंने बोला था ना, सबसे ज़्यादा मैं हूँ। आई एम अ फर्स्ट, देखो फर्स्ट अभी चलाने की बात है, मैं देखो फर्स्ट आया हूँ। तो गाइस मैंने 11 लैप्स करे थे, 47 सेकंड मेरा टाइम था और सबसे ऊपर मैं था फर्स्ट। बाकी सारे फिसड्डी पीछे, फिर ऊपर से एक्सक्यूज कर रहे हैं कि पंचर हो गई, ये हो गई, वो हो गई। बट विनर इज ऑलवेज बी अ विनर ब्रो। हाँ तो चेंज तो हुई तो मेरी तो कुछ भी नहीं हुई थी, तब भी मैंने लैप है तू चिड़चिड़ी मत हो, सब बना है मैंने, पूरा कैमरामैन खड़ा करा था इसलिए तू चिड़चिड़ा मन मत दिखा, सारा पूरा मैंने भाई ब्लॉग शूट करा है, डोंट वरी। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, जब लिया तो है तेरे को व्लॉग में, जब तू कर रही थी दो रुपए दो। विक्ट्री होता है वो। वैसे कैसी रही, जेन्युइन बता। मजा मुझे भी बहुत आया, मैंने पहली बार चलाई बट सबसे ज्यादा लैप भी मैंने किया, फर्स्ट भी मैं आया और जो मैं हमेशा आता हूँ, मैं हमेशा आता हूँ। अच्छा बता, मैं तो फर्स्ट आया, मैंने 11 लैप किए, इन्होंने 6 6 6, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस, अबे तू बोलने दो, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था बहुत मज़ेदार है, वर्थ इट जगह आने की, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, इससे काफ़ी सस्ते भी हैं और कंपैरेटिवली डायरेक्ट इसके 12,000 रुपीज़ लगे, बाकी 500-600 के भी थे। तो मुझे पता है नहीं, वो गुड़गांव में था, वो थोड़ा और जाना पड़ता, वो मुझे लगा क्वालिटी वाइज थोड़ा सा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ था, सो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला चूज़ किया कि यहाँ पर चलते हैं। तो ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस था, आना हो तो आ जाना, बढ़िया मज़ा आएगा। सो वापस जाने की तैयारी है, मैं तेरा मेल में तेरा झूंडा पूट दूंगा। हाँ ब्रो, ये देख भाई क्या डरावना हुआ है, भूतनी नहीं चिमटती वैसे कर रही है लड़की। यार बहुत आगे चलती है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे चुप करो, ये बहुत बोलते हैं तुम लोग, शोर मचा के रखा है घंटे से, तो चुप हो ही नहीं सकता ना उसका, तो मेरे पास तो स्पीकर है, बात तो सही है। यहाँ देख सकते हो फ्लाई डाइनिंग भी है, तो अगर आपको फैमिली के साथ आना हो या जिस मर्जी के साथ आना हो, मतलब फ्लाई डाइनिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे करने का डिनर। आपको ये ऊपर ये क्रेन दिख रही है पूरी हवा में ले जाएगी, तो ऊपर बैठ के आप डिनर करोगे। तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो ज़रूर ट्राई करेंगे ये वाला। सो गाइस अब हम जा रहे हैं, एक्चुअली वहाँ खाने का टाइम नहीं था बिकॉज इसको कहीं जाना है, इसको हरी है, इसकी क्लास व्लास है, तो हमने कहा अभी ड्राइव थ्रू से कुछ पिक करते हैं, मैकडी वगैरह जो आ रहा है वहाँ पे खाएंगे, तो अब मैकडी के लिए जा रहे हैं वहाँ से और फिर सीधा निकलेंगे टापो टाप घर। कहाँ जाएंगे हम? टापो टाप, वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी भाई मेरा ना दिमाग का डब्बा गोल हो गया तुम्हारे से भाई। मैंने पहली बात गलत किए, तो मैं अपने अंदाजे से जा रहा था, हमने जाना उसी रोड पे है, ये गलत लेकर जा रहा है, तेरी में शर्त हो गई। अब ये देख लेके जा रहा है यार, कोई नहीं यार, अब वो हो गया भूल गया, घंटा साहब 1 घंटे से पूरा नोएडा घूम लिया, मैकडी मिलके राजी नहीं है। भाई मैं मुंडू नहीं हूँ, अच्छा खासा तब मैंने इसको बोला था पहले ले जा, अबे यार वापस यहीं चले जाते हैं, अंदर आ तो रहा था ये बोल रहा गाड़ी की, गाड़ी जा मैं मैकडी में गाड़ी, तू वाला कौन बोलता है कि ड्राइव थ्रू, अरे उसको ड्राइव थ्रू बता भाई, तो आप पता हो सकता है रिक्शे वाला था वो, ड्राइव थ्रू का मतलब पता होगा उसको, पता होगा तो उसने दोनों साइड क्यों बोले, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, पता नहीं गलत निकला था। कमाल बातें करते हो यार तुम लोग यार, पता नहीं क्या यार, बंदे हो पजामे हो जब देखो बस नाड़ा है।
भाई ये ऐसी ऑब्सेस्ड लड़की है, अपनी रिकॉर्डिंग करके बार बार वो ही सुनती रहती है यार। छोटी बच्ची हो क्या? तो हर टाइम रिकॉर्डर ऑन रखती है क्या? क्या पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थी? तो क्या थी पिछले जन्म में? इस जन्म में तो एनाकोंडा है। पिछले जन्म में मैं वो थी जिसने ऐसे पाप किया कि उसको तू मिला। मैं मिला? बेटा पुण्य कहते हैं उसको, पाप नहीं कहते। भाई इतने कष्ट किया आज हमने इसे मैकडी के लिए, मैं बता रही मुझे लग रहा है इतना जाम है यार, ये ड्राइव थ्रू के लिए लाइनें लग रही है बेटे। ओ होंडा सिटी प्लीज पीछे हो जा। क्या करोगे अंकल, खा के हट जाओ यार। ये देखो इतनी देर के आने के बाद भी हमें इतनी लाइनों का कष्ट। अरे अंकल बच्चों को खाने दिया करो। अंकल बच्चों को खाने दो, आपके बस की है बर्गर वर्गर खाना, आपका पेट अपसेट। हाँ दलिया खाओ, आपकी वाइफ ने बनाया होगा मस्त। चलो क्यों वाइफ क्यों बनाएगी, तो मम्मी बना देगी। अंकल की वाइफ ना हुई फिर वो बेचारा है। अंकल बैठे बैठे गालियां दे रहा हूँ तुम्हारे। अंकल कह रहे मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं। 4180 अंकल जिम मील से मैं लार्ज मील पे पहुंच गई। मैं तो सोचा था महाराजा मैं खाने का, बट मेरे मुंह में पेन हो रहा है तो मेरे बस की नहीं, मुझे लग रही है कितना बड़ा बर्गर होता है। क्या डिसाइड हुआ फिर, हो गया तेरा? तू बता तुझा। मेरा तो मैक्सिकन मील है। मैक्सिकन मील ले ले फिर। मैक्सिकन मील डन है भाई। पेरी पेरी सीजनिंग ले यार, पकड़ जल्दी पकड़ो। एंट्री मैक्सिकन ठीक है, थैंक यू। ये बर्गर आ गया कोल्ड ड्रिंक से। तुम्हें लेने नहीं, तू ही जाएगी अकेले। तुम लोगों को चाहिए? हाँ अब वो वापस ऑर्डर लेगा ना। तो अब फिर मत खाओ, फिर नॉर्मल खाओ। सीजनिंग और मिल सकती है? पंच करानी पड़ेगी आपको। वही तो मैं कह रहा था ना। चलो कोई नहीं, हम ये सारी मिला। मैं नहीं देने वाली, मैंने पहले ऑर्डर दिया था और वो उसके बिना फिर मैची नहीं लगती। ऐसे गलासी मुंह तो लाएंगे। थैंक यू सो मच। So guys, तो खाना पीना हो गया, मैकडी बर्गर वगैरह फ्राइज वगैरह हमने खा लिए हैं, थोड़े बहुत खा रहे हैं जल्द जलते, और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो अराउंड एक डेढ़ घंटा दिखा रहा है, तो ट्रैफिक तो यहाँ तो नहीं है नोएडा में, अगर शायद आगे हो तो पता नहीं। मिलते हैं आपसे आगे फिर।